तो हम लोग यहां से एंड्रपल जंप मारेंगे विद द यूज ऑफ ट्राइडेंट। यार मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा था ना, मैं झूठी बोल रहा हूँ, मैं 2 दिन से लगा हुआ हूँ एक ट्राइडेंट ढूंढने के लिए, पर मुझे मिला नहीं। और आज मैंने देखा कि पम्मी भाई, मतलब चपाती हिंदुस्तानी गेमर भाई जो है हमारे, उनको ट्राइडेंट मिल गया है और उन्होंने एक गजब का ट्राइडेंट भी बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी देख लेना, बट उन्होंने एक गलती कर दी है। बिल्कुल सही दोस्तों, उन्होंने अपने ट्राइडेंट को लगाया लॉयल्टी, मतलब वो गलती नहीं है, वो अच्छी बात भी है, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि कैसे एक बेस्ट ट्राइडेंट बनाते हैं और उसका कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग ढूंढने वाले एक ट्राइडेंट, और कैसे भी ढूंढ के रहेंगे भाइयों, हम लोग जाएंगे ओशन में, कैसे भी ढूंढेंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन लेके आएंगे अपने लिए एक ट्राइडेंट और आप लोगों को दिखाऊंगा द बेस्ट ट्राइडेंट पॉसिबल इन माइनक्राफ्ट। बट गाइज, उससे पहले लाइक गोल बता देता हूँ वीडियो का, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो। इस बार लाइक गोल है 80,000 लाइक्स का, बिल्कुल सही, थोड़ा सा आप करा है। और जो भी नया गाइज सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच फॉर 4 लाख सब्सक्राइबर्स। बट अभी जंग बाकी है गाइज, हम लोग को 5 लाख के पास जाना है यार, 500,000। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मीन अ लॉट दोस्तों। 500,000 का सपना देख रहा है तुम्हारा भाई, और तुम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो, जितना शेयर हो जाए हो जाए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। विद ऑल दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके तो गाइज, वेलकम बैक हो गया आप लोग का हीरो ब्रांड एसएमपी में, और वो भी मेरे घर में। और ओके हाँ, मेरे को लगा वहाँ एंड्रू भी खड़ा है, बट एंड्रू भी तो गेम में था ही नहीं, तो मुझे लगा ओके। तो गाइज वेलकम हो गया आप लोगों का हीरो ब्राइन एसएमपी में, ये मेरे सारे बच्चे हैं। तू क्यों आ रहा है अंदर यार, मेरे को इंट्रो तो प्यार से देने दे यार, भाई दुखी हो गया उन लोगों से यार। तो गाइज ये है मेरे प्यारे प्यारे बमचे हेमलो सब्सक्राइब। तूने लोगों को कितना बोला कि सब्सक्राइब करो, पर उन्होंने करा नहीं, क्यों नहीं करा, 500,000 होने वाला है, कर दो यार। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करी एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन फॉलो, जॉइन, यस ठीक है। तो गाइज यस, आज लेकिन सुनो ये मजाक सब कुछ हटाते हैं, लेकिन आज एक बहुत जरूरी काम है हमारे पास, ठीक है। हम लोगों को कैसे भी ट्राइडेंट लेके आना है, ठीक है भाई। चपाती भाई तो एकदम फास्ट निकले, चपाती भाई ने काफी पहले ट्राइडेंट ले लिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक ट्राइडेंट लेके आना ही होगा कैसे भी, ठीक है। हम लोग अपने लिए ट्राइडेंट लेके आने वाले, और उसके लिए हम लोग फटाफट से सारी की सारी तैयारी कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को भाई एक क्रेजी ट्राइडेंट बनाना ही बनाना है, और वो मैं आज करूंगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइडेंट ढूंढने वाले गए, ठीक है। आज हम लोग उससे भी ज्यादा करने वाले, सिर्फ ट्राइडेंट नहीं, हम लोग और भी आगे जाएंगे, हम ट्राइडेंट को एन्चांट भी करेंगे और खतरनाक वाला भी बनाएंगे, ठीक है। देखो जाने से पहले दोस्तों, देखो जिससे हम जाएंगे उससे पहले मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ। ट्रेडिंग हॉल में मैंने एक अपग्रेड किया है, वो भी तुम लोगों के कॉमेंट्स के हिसाब से। तुम लोगों को क्या वो पता चल रहा है? अगर तुम्हें अभी पता चल रहा है तो प्लीज कॉमेंट में बताओ बिना सोचे ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम लोग पूरा सोच ले मन में और लास्ट में कॉमेंट कर रहे हो, ठीक है। पता चल गया तो वेरी गुड, लेकिन नहीं पता चला तो ये देखो गाइज, तुम लोगों के कॉमेंट देख के ना मैंने तुम लोगों से पूछा था, गाइज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ कि मैं इन लोगों से ट्रेड तो कर लेता हूँ, बट यार ट्रेड करने के बाद इनका जो एक्सपीरियंस है, मेरे को पहले इनका ब्लॉक तोड़ना पड़ता है और उसके बाद अंदर जाके एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। बट तुम लोगों ने बोला था कि भाई उनका जो क्या कहते हैं वो है जॉब ब्लॉक है, उसको आप नीचे डाल दो, वो लोग उसको ले भी लेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा, और वो बाहर तो आ नहीं सकते क्योंकि ऊपर से ट्रैप डोर लगा हुआ है। तो ये चीज एकदम मस्त चीज हो गई थी तुम लोगों की वजह से। और अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे इससे हम लोग अगर वी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसे वी ट्रेड करते हैं, देख रहे हो कुछ भी एक्सपी नहीं फंसा, और फंस भी जाता तो मैं अंदर जाके ले आता, कोई टेंशन नहीं है। जैसे इससे हम लोग अभी देखो एमरल्ड इससे ट्रेड करेंगे हम लोग, ब्लॉक ऑफ आयरन, रुको हाँ मेरे पास जितना भी पड़ा हुआ है हम लोग सारा का सारा आयरन इसे ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों को सारा का सारा एक्सपी मिल गया, और ये अभी भी ब्लॉक इसको देख पा रहे हैं अपने जॉब ब्लॉक को, और हम लोग इससे आयरन ले सकते हैं। और ये देखो हम लोगों ने पैंट और यहाँ पे शूज़ भी खोल लिए, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम बेस्ट हो गई है। तो गाइस मजाक की बातों को साइड में रखते हैं, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम लोग आज कैसे भी जाके लेके आना है हमारे ट्राइडेंट, मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स तो याद कर लिए थे लास्ट टाइम ही, जब हम लोगों को वो जो छोटे छोटे ओशन के टूटे हुए मॉन्यूमेंट मिले थे, तुम लोगों ने उसका मुझे कुछ तो बताया था यार, मैं बट भूल गया उसका नाम, लॉस्ट मॉन्यूमेंट करके तुम लोगों ने कुछ बताया था, तो वो मॉन्यूमेंट हमें मिल गए थे, मैंने वहाँ के कोऑर्डिनेट याद कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउंड आ रहे थे, और ड्राउंड आ रहे थे मतलब ज़्यादा चांसेस है कि हमें वहाँ ट्राइडेंट वाले ड्राउंड भी मिल जाएंगे। ओ मैंने अभी अपना ना सामान खाली नहीं करा गाइस, मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आया तो था बट मैं क्यों आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना सामान हम लोगों ने यहाँ भर दिया है शायद से सारे चेस भर गए यार कूड़े से, उनको साफ भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो पहले ऊपर जाते हैं और अपना सारा का सारा जेब वेब खाली करते हैं, और उसके बाद तैयारी करते हैं गाइस आज के जो हम जाने वाले हैं एक खतरनाक एडवेंचर में, कि हमें ट्राइडेंट मिले, फिर हम उस ट्राइडेंट को एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एन्चांटमेंट दें, जिससे कि हम लोग उस ट्राइडेंट का पूरा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो मुझे तो 2 मिनट में पूरी की पूरी इन्वेंटरी सब कुछ एकदम क्लीन करके तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में,
ओके तो गाइज मैंने सारा का सारा सामान तो जमा कर दिया। देखो एक बार क्या करते हैं, ये ब्लॉक ऑफ एमरल्ड यहीं पे छोड़ देते हैं। और देखो मैंने बनाई हुई है ये ओशियन ब्रेकर अपनी स्ट्रीम पे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग रॉड्स है, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या है, इसमें लक ऑफ द सी है। अगर बाय चांस किस्मत रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वेट करेंगे ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बीज का स्पॉन होने का, तब तक हम लोग करेंगे फिशिंग। अगर फिशिंग से नॉटिलस शेल मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोगों ने एक आइडिया बताया कि 60% चांसेस होता है अगर आप लोग ट्राइडेंट वालों को नॉटिलस शेल पकड़ाते हो तो वो आपको ट्राइडेंट देते हैं। अगर ये होता है, पॉसिबल होता है, तो भाई मजे आ जाएंगे। नहीं हो पाएगा तो हम लोग आज देख ही लेंगे वीडियो में कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर किस्मत रही तो क्या पता हमें डायरेक्ट ट्राइडेंट मिल जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल है, बट क्या पता हो जाए, ठीक है। और बाकी यार ये नेदराइट हो मैंने क्यों उठाया मुझे नहीं पता, इसको रख देते। ओ मेरे पास ये पड़ा हुआ है ना, देखो मैं ये बहुत सारी ब्लेज रॉड लेके आया था क्या कहते हैं स्ट्रीम पे ही, तो मैं एक काम और करता हूँ कि मैं ना एक एंडर चेस्ट भी अपने साथ बना के ले चलता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो कमेंट में पूरा यही था कि भाई आप क्या कहते हैं ट्रेजर ढूंढने गए थे तो आप यार एक काम क्यों नहीं करा, आपने एंडर चेस्ट क्यों नहीं लेके गए, इतनी बार आपको सामान वामान फेंकना पड़ा। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही करी, तो हम लोग इस बार ही भाई एंडर चेस्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे पास खाली 5 ऑब्सीडियन है, तो मेरे को थोड़ा ऑब्सीडियन लेके आना पड़ेगा, मुझे तो 2 मिनट में ऑब्सीडियन लेके आता हूँ ढेर सारा। ओके तो गाइज मैं ऑब्सीडियन लेके तो आ गया हूँ, अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, मेरे पास एंडर आई कहाँ पर पड़ी हुई थी, हाँ याद आ गया, ठीक है। तो हम लोग अपनी एंडर आई निकालते हैं एक बस, और इसको बनाते हैं आई ऑफ एंडर जल्दी से, ये लो। और अब इसका हम लोग बना देंगे गाइस क्या एकदम मस्त वाला एंडर चेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ये एंडर चेस्ट भी इस बार लेके जाने वाले हैं, जस्ट सो दैट यू नो कि बाई चांस अगर हमें कुछ अच्छा खासा सामान मिलता है तो हम लोग वो भी करेंगे। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर वही जगहों पर जाने वाले हैं जहाँ हमने लूटपाट मचा दी है, जो कि थे रैक्ड शिप के पास, क्योंकि वहाँ के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, और वहीं पर आसपास लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स भी थे, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा स्पॉन होते करके हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बीज को मार के ट्राई करेंगे कैसे भी ट्राइडेंट लेके आए। अरे यार मेरे को एंट्रोपी के ज़ॉम्बी फार्म से लेके आना पड़ेगा यार, इन सबको खाना भी तो खिलाना पड़ता है यार, भाई बेचारे इतनी मेहनत करते हैं यार, तुम लोग समझ रहे हो, इतना सारा काम वाम करते हैं हमारा, मतलब दिन भर सोफे में बैठ के, लेकिन हमारा प्रमोशन पूरा करते हैं दोस्तों, तो इसलिए उनको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा यार। तुम्हें जल्दी से रॉटन फ्लैश लेके आते हैं और उसके बाद अपने सारे डोमगीज को खिलाते हैं खाना। ये हम आ गए, सब्सक्राइब मेरे दोस्त, ये ले ठीक है, लाइक मेरे दोस्त, ये ले शेयर कमेंट बेल आइकन फॉलो ज्वाइन, समझ रहे हो, तुम लोग भी इनको खाना खिला सकते हो, मुझे बार बार ना बोलना पड़ेगा यार, 500,000 के बहुत करीब आ गए गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो यार प्लीज बॉयज। ओके तो गाइस मैं फिर से बाहर को निकल गया था, बट मुझे एकदम से याद आया इस बार हम लोग लास्ट वाली गलती नहीं करने वाले यार। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था ना, मेरे को आधे रास्ते में जाके याद आया था कि भाई हमें तो स्विफ्टनेस वाला पोशन बनाना है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, वो गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे, और हम लोग अभी के अभी जल्दी से स्विफ्टनेस वाले पोशन बनाते हैं, कम से कम नहीं तो 6 पोशन बनाएंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कांच वाँच ही होगा, ठीक है। हम लोग 6 पोशन अपने स्विफ्टनेस के बनाते हैं एकदम फास्ट वाले, ठीक है, स्पीड 2 नहीं स्पीड 1 से भी अपना काम हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी से वो काम करते हैं। और मैं तो आपको मिलता हूँ 2 मिनट में, बस 2 मिनट दो मेरे को, मैं फटाफट से जल्दी से यहाँ पर बनाता हूँ कुछ पोशंस। तो गाइज अपना सारा का सारा सामान बन चुका है, देखो 8-8 मिनट वाले मैंने बहुत सारे पोशन बना लिए। इस बार ही मैंने फेंकने वाले पोशन नहीं बनाए, क्योंकि मेरे को वही चीज़ होती है यार, हम लोगों को कोई जल्दीबाजी में नहीं होता, राइट, हम लोग आराम से हम लोग पी सकते हैं, और प्लस हमें ना कांच की जो बोतल होती है ना वो वापस मिलती है अगर हम लोग बिना तोड़े उसे लेते हैं। तो अभी हम लोग गाइज निकलने वाले हैं फटाफट से, रानी भाई, तो अभी हम लोग जाने वाले गाइज फटाफट से और जाएंगे ओशन की तरफ को। तो चलो गाइज मिलते हैं आप लोगों से ओशन, इस साइड को ओशन, राइट, हाँ इस साइड को, यस, यहाँ को स्प्रूस के ट्रीज भी है और यहाँ को ओशन भी है। तो हम लोग जाते हैं सीधे ओशन की तरफ को और जाते हैं उन मॉन्यूमेंट्स के पास जहाँ पर आएंगे वो प्यारे प्यारे ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बीज और हम उन्हें मार के लेंगे ट्राइडेंट। कितना गलत सुनाई दे रहा है ना, मार के ट्राइडेंट लेंगे भाई यार। तो चलो गाइज अभी हम लोगों को लेकिन ओशन में और आगे जाना है, तो चलो फटाफट से चलते हैं ओशन की तरफ को और ढूंढते हैं ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बीज। और बेस्ट बात ये कि रात हो रही है तो और ज्यादा हमको फायदा होगा रात का। ओह गाइस ये देखो, ये वही है, ये वही वाला शिप है जो पूरा शिप मिला था हम लोगों को। यस भाई चलो मैंने कोऑर्डिनेट तो सही सेव कर रखे, और ये है हमारे कुछ रुइंड टाइप के पोर्टल, मतलब समझ लो रुइंड टाइप के मॉन्यूमेंट, ओशन मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वो आते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं ज़ॉम्बीज आते हैं। अब हम लोगों को बस यहाँ पे रुकना है, और रुके रुके हम लोग क्या करेंगे, रुके पहले एक बार ना चेक करके आते हैं, ठीक है। ये देखो, नहीं यार ये तो नॉर्मल वो रहा नहीं अरे यार यहाँ तो सारे भाई यहाँ पर आएंगे ना पक्का दोस्तों। हेलो ट्राइडेंट ज़ॉम्बीज, हेलो
तो मेरे को पक्का नहीं पता कि यहाँ पर आएंगे रहेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए तो यार, ओ यहाँ पर एक चेस्ट है, ये चेस्ट मैंने खोला है कभी? शायद से लग तो रहा है यार, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा क्लीन है। लूअर टू वाली फिशिंग रॉड पड़ी है, रख लेते हैं यार, फिशिंग रॉड कब काम आएगी। और थोड़ा सा वीट मिल रहा है फ्री का, तो रख लेता हूँ। कोल भी रख लेता हूँ, तो कहता छोड़ो यार भाई, नहीं लिया तो नहीं लिया ना फिर, अभी तो अपने पास जगह ही जगह। और ऊपर से हम लोग एंटर चेस्ट भी लेके आए हुए हैं भाई, जो सामान मिल जाएगा सब भर लो अपनी जेब में, ठीक है। तो अब हम लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना है, देखते हैं इफ, अरे यार एक तो ये शिप का ना, हाँ तो देखते हैं इफ एंड वेन, अगर आता है ट्राइडेंट वाला जॉम्बी तो क्या वो आएगा, और तब तक हम लोग करते हैं थोड़ी सी फिशिंग, क्या पता हमें नॉटलेस शेल मिल जाए, क्योंकि उसी से हम लोग ट्रेड करके भी ले सकते हैं, जैसे तुम लोग बोल रहे थे कमेंट्स में। तो रुकते हैं थोड़ी देर। उई उई उई। कैसे? ओ भाई गाइस, जिसको पता नहीं है, अगर तुम्हारे पास जैसे कि मेरे पास है लक ऑफ द सी 3 भाई, तुम्हारे पास लक ऑफ द सी 3 भी है ना, तब भी तुम्हारे पास एक 2% चांसेस है, मतलब तुम लोग अगर 100 बार ट्राई करोगे तो हो सकता है 2 बार तुम्हें मिल जाए, वो भी पक्का नहीं है, हो सकता है 2 बार तुम्हें मिल जाए। भाई मुझे पहली बार में मिल गया नॉटलेस शेल, भाई अब तो कोई भी ट्राइडेंट वाले जॉम्बी को हम लोग एक बार पैक करते कहीं पर और देने की ट्राई करते हैं। अगर तुम लोगों ने सही वाला आइडिया बताया होगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन क्या पता यार तुम लोगों ने पुराने वर्जन में देखा हो, तो अगर हो सकता है नए वर्जन में उन्होंने हटा दिया हो, बट हम लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। और अब तो हमारे पास नॉटलेस शेल भी है ब्रो, भाई बस अब हमें एक ट्राइडेंट वाला जॉम्बी ढूंढना है, खत्म। यार गाइज मेरे ख्याल से ना वो थोड़ा बिगनर लगता, बस और कुछ नहीं भाई, लिटरली तब से सिर्फ और सिर्फ कूड़ा मिला जा रहा है, बस एक पफर फिश को छोड़ के भाई, पफर फिश से शायद से अंडर वाटर ब्रीदिंग वाला पोशन मिलता है, लेदर यार छी, तब से कूड़ा ही मिले जा रहा है, बस एक ये नॉटलेस शेल मिला था। लेकिन फिर से रात हो गई है गाइज, तो थोड़ा सा इन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर अभी भी यहाँ पर कोई ड्राउंड नहीं आता तो फिर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ भाई, इस जगह से मैं हट रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर ड्राउंड नहीं आता है तो, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ है यहाँ पर, खैर दिन का टाइम था, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर रुकते हैं रात में, वरना हम लोग जाते कहीं आगे को यार, एटलीस्ट एक दो तो जॉम्बीज तो हैं भाई, यहाँ पर एक भी जॉम्बी नहीं आ रहा है पता तुम लोगों को इस एरिया में। ओके तो गाइज हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया यार इस जगह पे, अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डॉल्फिन्स है प्यारी प्यारी, सब कुछ है, पर यार एक भी मेरे को नॉर्मल जॉम्बी नहीं दिखा, ट्राइडेंट वाला तो छोड़ो भाई, 4 नॉर्मल जॉम्बी दिखते तब एक ट्राइडेंट वाला दिखता है, यहाँ पर मुझे नॉर्मल जॉम्बीज भी नहीं दिख रहे हैं भाई, तो मेरे ख्याल से ये वाटर्स में ज़्यादा जॉम्बीज आते नहीं होंगे मे बी, लेकिन यहाँ मुझे लगा था वो जो मॉन्यूमेंट टाइप का होता है उस जगह पे आते ही आते, तब मैं रुका था थोड़ी देर के लिए वहाँ पे, मैंने सोचा वहाँ पर थोड़ा फार्म कर लेंगे, बट शायद से यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं डीप ओशन में ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे जाके डीप ओशन ढूंढते हैं और वहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या पता वहाँ पर हमें ज़्यादा जॉम्बीज मिले। ओ गाइस 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 यार ये तो नॉर्मल जॉम्बी है, एक और नॉर्मल जॉम्बी, ओ ये एरिया थोड़ा हॉट लग रहा है ब्रोज, अरे यार ये बोट ग्लिच प्लीज़, ठीक है ये एरिया थोड़ा सा हॉट लग रहा है मेरे को इन जॉम्बीज के लिए, तो एक बार देखते हैं क्या पता यहाँ पर हमें गलती से ट्राइडेंट वाला जॉम्बी भी दिख जाए। अरे यार ये निकल, भाग भाग जा, बॉस को भेज, अपने बॉस को भेज, हमको चाहिए ट्राइडेंट, ठीक है यार 4 जॉम्बी है, 4 में से एक भी ट्राइडेंट वाला जॉम्बी नहीं है यार, सैड लाइफ दोस्तों। गाइज मौसम खराब होते जा रहा है, बट वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, जितना मौसम खराब होगा ना उतने ही ज़्यादा मॉब्स आने के चांसेस होते हैं, तो अगर मौसम खराब हो रहा है ना तो हम लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर भाई ड्राउन जॉम्बी दिख सकता है विद अ ट्राइडेंट। और पहले ना एक चीज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा ना स्विफ्ट पोशन भी पीता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रुक के थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया है भाई, और स्लो होती है ना स्पीड तो फिर वो मेरे को इतनी ज़्यादा स्विफ्ट पोशंस की आदत हो गई ना कि मेरे को लिटरली अपना नॉर्मल जब मैं चलता हूँ ना तो मज़ा नहीं आता पता है वो। रुको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा आसपास, यहाँ पर ज़रूर आएगा, और हम लोग थोड़ा यहाँ पर ना फिशिंग करने का ट्राई करते हैं। देखो ओह क्या बुक मिला, कहाँ गई वो बुक, अरे हमको तो मिली, अरे वो है वो, माय बैड, अरे यार बुक बोट ग्लिच, देखो देखते हैं गाइस कौन सी बुक है भाई ये, व्हाट गाइस फेदर फॉलिंग फॉर मल्टी शॉट और उसके साथ स्माइट 3, ओ भाई गाइस यार अब बस दिन अच्छा बन जाएगा, बस ट्राइडेंट वाला दे दो, हमारे पास नॉटिलस शेल पड़ा हुआ है कसम से भाई, जो मजा आने वाला है ना आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भाई, क्या ही किस्मत चल रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको लिटरली ट्राइडेंट मिल ही जाएगा आज यार, 2 बार ऐसी खतरनाक किस्मत लगातार भाई, मैं तो क्या ही बोलूं यार। ओ गाइस 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 ये देखो भाई नॉटलेस शेल वाला जॉम्बी, क्या ही हमको नॉटलेस शेल देगा भाई, इसका मतलब यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है प्लीज, यस उसने हमें एक और नॉटलेस शेल दिया यार, हम लोगों को 2 नॉटलेस शेल मिल गए, और टू बी ऑनेस्ट विद यू नॉटलेस शेल भी थोड़ी बहुत यार
समझ रहे हो, थोड़ी रेयर चीज है, मतलब ये इतनी इजीली नहीं मिलती है, तुम लोग एक बार ढूंढ के देखो। ओके तो दोस्तों मेरे को यार लिटरली अभी तक एक भी ड्राउंड नहीं मिला है विद अ ट्राइडेंट। कसम से ब्रो आज की मेरी किस्मत ना टू फाइंड अ ट्राइडेंट वाला जोम्बी बहुत ही ज़्यादा गंदी चल रही है ब्रो, मतलब मेरी किस्मत ही खराब चल रही है, बैड लक ही खराब चल रहा है भाई। एक भी नहीं मिला है हमें, एक तो मिल जाता एटलीस्ट एक बंदा। नहीं भाई उस दिन हम लोग ट्रेजर हंट करने गए थे, हमें 3-4 एक ही जगह पे मिल रहे थे, बट आज लिटरली एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। Yes! Guys, finally मिल गया एक। हम लोग इसको लेके आते कोने पे, ठीक है इसको लेके आता हूँ मैं कोने पे। भाई हम लोगों को फाइनली मिल गया दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओ भाई रुको प्लीज मारो नहीं यार, मेरे पास वो है क्या कहते उसे थॉर्न से, ये मार भी सकता है तो मेरे को इसको थॉर्न से नहीं मारना है बाय एनी चांस, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करता हूँ थोड़े से बिल्ड्स। ओके ये यार इससे नहीं, ये करते हैं ठीक है, और थोड़ा सा और बना लेते हैं जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बनाने वाले, ठीक है। नहीं यार मुझे मत मार ब्रो, तुझे भी लगेगी यार, मेरे को थॉर्न्स वाले कपड़े उतारने पड़ेंगे दोस्तों जस्ट इन केस अगर ये मरने वाला होगा, तो हम लोग को थॉर्न्स वाले कपड़े भी उतारने पड़ेंगे जिससे हम लोग भी मर सकते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है भाई मजाक से हट के, ठीक है। तो हम लोग को इसको कैसे ऊपर चढ़ाना है अभी के लिए, ठीक है। अरे भाई देख रहे हो 3 हार्ट एक बारी में यार, अरे तेरी साले की। रुको मेरे को अपना आर्मर दोबारा पहनना पड़ेगा वरना मैं मर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं मरना नहीं चाहता यार, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नैना नहीं ये ले नॉटलेस ले, रखना ये ले दो ले 3 ले रखना घर की खेती। अरे तेरी साले के मुँह में मारा इसने भाई, आना उठाना भाई उसके मुँह पे है बिल्कुल, देख रहे हो उसके बगल में नॉटलेस नहीं ले रहा, वो देखो ना भाई। तू सुनो ए बदतमीजी मत करा ओए ज़ॉम्बी, ओए पकड़ इसको चल और ट्राइडेंट दे इधर भाई, ये मर जाएगा यार। हट भाई 15 HP वाला ट्राइडेंट भाई, मुझे नहीं पता नॉटिलस शेल वाला काम करता है नहीं करता है, बट हम लोगों को भाई इस एपिसोड का नाम मेरा मन कर रहा है इसमें लिख दूं भाई लकीएस्ट एपिसोड ऑफ माय लाइफ। मैंने पहली बार लिटरली इसको यूज किया और हम लोगों को सीधा भाई नॉटलेस शेल मिल गया, जो कि 2% चांसेस है, मतलब 100 बारी में एक बारी वाला चांस है, 2 बारी वाला, और वो हम लोगों को पहली बारी में मिल गया। और उसके बाद जो ट्राइडेंट भाई इतना मुश्किल होता है इवन विद लूटिंग 3, वो भी हम लोगों को पहले, मतलब ठीक है यार 1 घंटे से मैं ड्राउंड ज़ॉम्बी ढूंढ रहा हूँ जिसके पास ट्राइडेंट हो और नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पहला वाला मिला भाई सीधा ट्राइडेंट छोड़ा उसने यार। तो गाइस फटाफट से घर चलते हैं और जो एन्चेंटमेंट मेरे को इस ट्राइडेंट के अंदर चाहिए वो लगाते हैं। तो मैं तो निकल रहा हूँ भाई, अभी हम लोग कितना दूर है घर से, ओ भाई बहुत दूर है यार, हम लोग कितना दूर आ गए, 2000 ब्लॉक्स दूर और 200 ब्लॉक्स दूर अलग से। भाई यार जल्दी से घर चलते हैं और ये सारा काम करते हैं, पहले मेरे को ये पेड़ तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर बनानी पड़ेगी अपने लिए बोट, और मिलते हैं गाइस तुम लोगों से घर पे। ओके गाइस हम लोग पहुँच गए घर, लेट्स गो। मेरे को अपना वो दिख गया है जो मैंने ऊपर को थोड़ा पोर्टल बनाया था, गलत बना दिया, जो मुझे तोड़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। यार गलती से बन, भाई मैंने यार 100 ब्लॉक दूर नहीं बनाना, तो वो सेम पोर्टल से कनेक्ट हो गया और वो गलत बन गया, बट ठीक है कोई बात नहीं गाइज। लेकिन आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं द लकीएस्ट माइनक्राफ्ट डे दैट आई एवर हैड, और ये सिर्फ हीरोब्राइन एसएमपी नहीं, ये नॉर्मली ओवरऑल ही मेरा लकीएस्ट डे है आज, मजाक से हटके ब्रो। हम लोगों को पहली बारी में नॉटलेस शेल मिल गया और उसके बाद हम लोगों को पहली बारी में ट्राइडेंट भी मिल गया और भी नॉटलेस शेल मिले, ऐसा नहीं कि और नहीं मिले भाई, और भी नॉटलेस शेल मिले, हमारे पास 3 नॉटलेस शेल पड़े हुए यार। मजाक हो रही है कि यहाँ पर भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब भाई फुल मौज होगी दोस्तों, मैं तुम लोगों को क्या कहानी बताऊँ, मतलब यार मजा ही आ गया यार, सुन रहे हो तुम लोग, देखा कितने प्यार सुनते हो, वुफ वुफ कर रहे भाई, इनको समझ में आती है मेरी बात, ठीक है। और देखो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले गाइस, हम लोग सबसे पहले जाके इसमें लगाने वाले हैं थोड़ी बहुत भाई एन्चेंटमेंट्स, क्यों पता है
क्योंकि तुम लोगों को पता है यार कि अगर बाई चांस भी भाई इसकी एचपी कितनी बता 15, तो इसका मतलब अगर हम इससे लाइक मारते हैं ना तो ये 15 बारी फेंकने बारी में टूट जाएगा। मतलब अगर मैंने इसको 15 बार यूज कर दिया फिर उससे भी कम तो ये पूरा टूट जाएगा। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या एन्चेंटमेंट लगानी पड़ेगी वो तुम लोगों को शायद से पता होगी। ओ यस, देखो हम लोग रुके एक काम करते हैं, मैं पहले अपने जेबें खाली करता हूँ। भाई हम लोगों को ये दो बुके मिली है, फ्रॉस्ट वॉकर और ये। तो गाइज हम लोग क्या करने वाले ना, हम लोग सबसे पहले ये यार एक नेम टैग भी मिला था फ्री का बोल देते, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं इसमें कौन कौन सी एन्चेंटमेंट्स डालने वाला हूं मैं तुम्हें बताया था। देखो मेंडिंग तो बेसिक है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं डालूंगा रिपटाइड। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे कि भाई रिपटाइड क्यों डाल रहा है ब्रो, रिपटाइड मत डालना है यार, तेरे को पता है जब इतनी बढ़िया चीज है भाई लॉयल्टी डाल, पियर्सिंग डाल, लोगों को मार। लेकिन गाइस मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इसमें लॉयल्टी डालते हैं और हम लोग लोगों को मारते हैं ना तो इससे उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता, होता बहुत ज्यादा डैमेज है, वो से ज्यादा होता है, बट ये बहुत स्लो भी होता है और दूसरी बात ये आपके पास वापस तो आता है और ये बहुत दूर तक भी जाता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन पता है क्या, वो एक रीजन के लिए बनी थी और ट्राइडेंट एक रीजन के लिए बना था। तो माइनक्राफ्ट में जब ट्राइडेंट रिलीज हुआ था तो सब लोगों ने ये चीज बोली थी कि भाई हम लोगों को ऐसा ट्राइडेंट चाहिए हम फेंके और उसके बाद हमारे पास वापस आए, एकदम एक्वामैन वाली फीलिंग आए। लेकिन समझ रहे हो, लेकिन असलियत में जो माइनक्राफ्ट डेवलपर्स का आइडिया था वो था ट्राइडेंट के साथ ट्रैवल करने का। और भाई ट्राइडेंट से ज्यादा इजी और मजेदार ट्रैवल कोई है ही नहीं ब्रो। लाइक लिटरली एंडर पर्ल्स एक बार के लिए तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, सारी चीज़ तुम्हारी एक बार के लिए खत्म हो जाएंगी, बट ये चीज़ नहीं होगी। देखो इम्पेलिंग दे रहा है, मेरे को इम्पेलिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं इस ट्राइडेंट में लगाने वाला मेंडिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी ना एक काम करते हैं, सुनो देखो अगर हम लोग सही तरीके से लेना, ये देखो हम लोग सबसे पहले रिपटाइड और अनब्रेकिंग जोड़ देते हैं तो हमको देखो 3 एन्चेंटमेंट कॉस्ट लगी, ठीक है। अब हम लोग ट्राइडेंट में इन दोनों को लगा देते हैं, हमें 10 एन्चेंटमेंट कॉस्ट लगी, ठीक है, और लास्ट में इसमें लगा देते हैं मेंडिंग, हमें 5 एन्चेंटमेंट कॉस्ट लगी, हमारा पूरा ट्राइडेंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। यही ट्राइडेंट है रिपटाइड 3, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। और इससे बढ़िया ट्राइडेंट में मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं होगा दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट डाला ही गया था गेम में इसलिए कि ताकि तुम लोग ट्रैवल कर सको, और खाली पानी में नहीं भाई, मैं तुम लोगों को अभी ट्रैवल करके दिखाऊंगा प्रॉपर, और तुम लोगों को मैं सुपर एंडर पर्ल थ्रो करके भी दिखाऊंगा इससे, तुम समझ रहे हो। ओके तो गाइस एक सीन हो गया, अपना ट्राइडेंट तो फुल एचपी हो गया है, ठीक है, ये मारा मैंने इनको एक बार, अपना ट्राइडेंट फुल एचपी हो गया, लेकिन ये कूड़ा अभी तक नहीं गया। अब मेरे को हो रहा है मैं घर कैसे जाऊंगा यार, क्योंकि ये मेरा सारी जेब में जा। ओ नाइस यार, बिल्कुल नहीं आया, गुड, बढ़िया। अगली बार से मैं यहाँ पर ना लेके आऊंगा फ्लिंट एंड स्टील, ठीक है, और यहीं पर चलाऊंगा ये सारा का सारा कूड़ा, तुम लोग देखो। ओके तो दोस्तों हम लोग वापस आ गए घर को, और मैं थोड़ा इन लोगों के लिए भी खाना लेके आया था। तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन, फॉलो और ज्वाइन। ये मैं सिर्फ इनको खाना खिलाता हूँ, इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मैं तुम लोगों को कुछ बता भी रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हें कुछ करना हो, हु नोज, ठीक है। तो कर दो यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है। और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे ये रहे एंडरपॉल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, देखो पहले मैं अपना सारा का सारा जितना भी सामान है ना बेफालतू का वो पूरा इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ, और 2 मिनट में आपसे मिलता हूँ, और मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ट्राइडेंट बना था फॉर ट्रैवलिंग द माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। मान लेते कि मुझे यहाँ से एंड्रू बी के घर तक जाना है, ठीक है, तो या तो फिर मैं तुम्हें पैदल चल के दिखा सकता हूँ, और या फिर मैं तुम्हें एंडरपॉल थ्रो करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं लाया नहीं हूँ, मुझे एंडरपॉल लेके आने पड़ेंगे, 2 मिनट दे दो यार गाइस। ओके तो दोस्तों वी आर बैक विद सम एंडरपॉल्स, और अब देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मुझे वहां तक का ट्रैवल करना है तो सीधी सी बात है मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा राइट, पैदल चलने में, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ नॉर्मल फुल फूड के साथ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर मैं हेस्ट भी मारता हूँ तो कितना होगा, 20% ज्यादा स्पीड हो जाएगी, मतलब हेस्ट नहीं, अगर मैं स्विफ्ट मारता हूँ तो 20% ज्यादा स्पीड हो जाएगी, बट अगर मैं एक ट्राइडेंट यूज करता हूँ देखो क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं मैं ट्राइडेंट यूज करता हूँ, ठीक है, मेरे को बस ये एरिया थोड़ा सा क्लीन चाहिए होगा, ठीक है, देखो ये है, ठीक है, मैंने पानी डाला, मैंने ये पानी वापस उठाया, और ये देखो, ठीक है, तो मैंने ये किया, और उसके मतलब इसमें थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए बस, ठीक है, यूज करने में ट्राइडेंट को, वरना तो फिर कुछ नहीं है भाई। ये देख लो तुम लोग लिटरली 2 या 3 बारी में ट्राइडेंट यूज कर करके भाई तुम लोग सीधे आगे जा सकते हो। ये देखो मैं एंड्रूबी के घर में पहुंच गया विद 3 ट्राइडेंट्स, ठीक है, 3 बारी ट्राइडेंट मारकर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि कोई बंदा अगर पैदल आ रहा था तो मैं उससे और तेज आ जाता, और मैं तुम लोग को समझाने जाता हूँ मैं और तेज इस चीज को कर सकता था। लेकिन ये भी नहीं, अब तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा द मोस्ट लाइक तुम लोगों को यकीन ही नहीं होगा भाई ये कैसे हो गया, तुम लोग ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये तो हो गया नॉर्मल, तो तुम ट्राइडेंट से करोगे, और बाय चांस अगर बारिश हो रही होगी ना दोस्तों, काश अभी बारिश हो रही थी या फिर उस टाइम पे मेरे पास ट्राइडेंट होता, मैं तुम लोगों को दिखाता, तुम लोग लिटरली बारिश में नीचे ही नहीं आओगे यार, तुम लोग हवा में ही ट्रैवल करते रहोगे, लाइक लिटरली सिर्फ हवा ही हवा में यार, तुम लोगों को नीचे आने की जरूरत भी नहीं है,
ऐसा रहता है सीन। ओके तो गाइस मैं आप तुम्हें दिखाऊंगा दूसरा तरीका ट्रैवल करने का ट्राइडेंट से, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग एक शॉट में वहां जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल ट्राइडेंट, देखो मैं तुम्हें यहां से दिखाता हूं, ठीक है। मैं एक ब्लॉक रख रहा हूं, ये लो, ठीक है। इस ब्लॉक से मैं तुम्हें दिखाता हूं एक नॉर्मल एंडरपोल मार के जितना दूर हो सकता है मैं एंडरपोल उतना दूर मारने की ट्राई करूंगा, ठीक है। ये लो मैंने जंप करके एंडरपोल मारा, तो ये देखो जंप करके भी एंडरपोल मारने के बाद भी मैं कहां तक आया, मैं इस तक आया, ठीक है। ये हॉपर्स वाले फर्नेस तक आया, तो यहां पर मैं एक लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अगर तुम लोग ट्राइडेंट का सही तरीके से यूज करते हो, बस यही होता है कि रिपटाइड वाला ट्राइडेंट यूज करने का थोड़ा सा स्किल सेट तुम्हें ज्यादा चाहिए होता है, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो भाई ये चीज के साथ तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता भाई, लिटरली मजाक नहीं करो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता अगर तुमने ये सही से कर लिया तो। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि एंडर पर्ल वाली जंप तुम लोग कैसे मार सकते हो विद द यूज ऑफ ट्राइडेंट। देखो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यहां से एक बारी में एंड्रू के घर पे जा सकते हैं, यहां से ये ऑलमोस्ट कम से कम नहीं तो 500 ब्लॉक दूर हो सकता है, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं पता, शायद से हाँ ये ऑलमोस्ट 500 ब्लॉक दूर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से एंडरपोल जंप मारेंगे विद द यूज ऑफ ट्राइडेंट, ये देखो रेडी बूम एंड्रू बी के घर के बाहर, और वो भी मेरे से तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैंने सीधे मार दिया। अगर मैं ऊपर को देख के मारता ना तो ये एंडरपोल लिटरली इसके घर के भी दूर चले जाता। तो देख रहो हम लोग लास्ट टाइम एंटरपोल मार के उस तक गए थे, और अभी हम लोगों ने जब ट्राइडेंट आ रहे, यार दो मिनट गाइस, यार मैं समझा रहा हूँ ना लोगों को, यार भाई यार तुम लोग यार। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉर्मल एंटरपोल यूज करा था, हम वहां फर्नेस पे आए थे वहां पर, और अभी हम लोगों ने जब ट्राइडेंट वाला एंटरपोल यूज करा तो हम लोग यहां तक आए। और देखो मैं तुम लोगों को दोबारा से दिखाता हूं, मेरे थोड़े एंटरपोल यूज हो रहे, कोई बात नहीं हम लोग और एंटरमैन मार देंगे, ठीक है। तो ये देखो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि अगर मैं यहां से एंटरपोल मारू ना, ये देखो हम लोग लिटरली वहाँ हम लोग और आगे थोड़ा सा नहीं करेक्ट वहीं पर आए। देख रहे हो हम लोग एंड्रू बी के घर से यहाँ तक आए एक बार में ट्रैवल किए। तो ट्राइडेंट इसलिए मैं बोलता हूँ कि वॉज मेड फॉर ट्रैवलिंग इन माइनक्राफ्ट, ज्यादा मतलब। तो गाइज इसलिए मैं तुम लोगों से बोला था कि कैसे चपाती भाई ने मतलब मेरे को अपने जो एन्चेंटमेंट दिखाया उसके हिसाब से उनका ट्राइडेंट थोड़ा सा गलत क्यों था। मैं ये नहीं बोलता कि लॉयल्टी नहीं लगानी चाहिए, लॉयल्टी लगानी चाहिए, बहुत मजा आता है यूज करने में, बट ट्राइडेंट का असली यूज ये होता है, अगर बाई चांस फाइट होती ना तो तुम लोग कभी ट्राई करना ट्राइडेंट वाले से मारने की, और भाई कोई दूसरा बंदा होगा जिसके पास बो होगी, पंच टू वाली फ्लेम, भाई उसमें पावर फाइव सब कुछ होगी ना, तो बंदा ऑलमोस्ट आपके बराबर ही पावरफुल होगा। तो ट्राइडेंट का यूज वहां पर होता है जहां पर तुम्हें एकदम से किसी टाइट सिचुएशन से निकलना है, अगर बाय चांस तुम्हें एकदम से कोई चारों तरफ से घेर लिया और तुम्हें पता है तुम पीवीपी में नहीं जीत सकते, चाहे तुम्हारे पास एन्चांटेड गोल्डन एप्पल है या फिर तुम्हारे पास कितने भी पावर पोशंस है, तो तुम लोगों को उस टाइम पे भाई ट्राइडेंट का यूज करके वहां से भाग सकते हो। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया एंडरपोल मार के कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता, ठीक है। इवन अगर कोई पर्सन दूसरा पर्सन भी ट्राइडेंट यूज कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आसपास ही आएगा, तुम कैसे थ्रो करते हो सब कुछ वो तुम्हारे ऊपर है। तो भाई ये भागने के भी काम आता है, और सिर्फ भागने के नहीं, अगर कोई बंदा भाग रहा है ठीक है और तो आपको उस बंदे को पकड़ना है तो आप उसको तेजी से पकड़ सकते हो, क्योंकि वो बंदा अगर पैदल दौड़ रहा है और तुम्हारे पास ट्राइडेंट है जिसमें भाई रिपटाइड लगी हुई है तो तुम लोग उसको भाई ऐसा मजाक में पकड़ लोगे भाई। बस इसके लिए चाहिए तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस तो भाई यार वो तुम्हें कोई नहीं करवा सकता, वो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो गाइस ये है हमारा लकीएस्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट, भाई हम लोगों को लिटरली यार क्या नहीं मिल गया भाई, ट्राइडेंट पहली बारी में मिल गया, नॉटियस शेल पहली बारी में मिल गया भाई, ऊपर से हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बुक्स मिल गई भाई ये फिशिंग करते हुए। तो आज का एपिसोड तो लिटरली बहुत ज्यादा ही लकी था यार फॉर मी। तो गाइज मजा ही आ गया यार आज के एपिसोड में, हमको फाइनली ट्राइडेंट मिल गया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं भाई, रिपटाइड वाला ट्राइडेंट जिससे अब हम लोग किसी को भी भागते हुए पकड़ सकते हैं या फिर किसी टाइट सिचुएशन से खुद भाग सकते हैं। तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया, आई होप आप लोगों को भी मजा आएगा। अगर आया है तो गाइज लाइक गोल 80,000 का है, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइज, 500,000 के पास आ रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज कर देना, इट विल मीन अ लॉट। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।